ज्योति स्कूल में बाल संरक्षण आयोग की टीम के द्वारा जो दौरा किया गया उसको लेकर जांच की बात कही जा रही है। बड़ी खबर जहां पर देखिए, बायोलैब में बिना अनुमति मिला है प्रिजर्व भ्रूण। यहां पर जार में फॉर्मेलिन केमिकल्स में संरक्षित प्रिजर्व भ्रूण ये स्कूल प्रबंधन नहीं दे पाया पर्याप्त दस्तावेज कहा जा रहा है। मामले की अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभिभावक की शिकायत के बाद यहां पर आयोग ने यहां पर देखिए दौरा किया, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है शिकायत के बाद अब जांच के दिए गए आदेश। ये सागर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर निर्मल ज्योति स्कूल ने मारा छापा टीम ने। और विष्णु हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। विष्णु देखिए, इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई, जानकारी कुछ हालांकि यहां पर प्रबंधन दे नहीं पाया है, किस तरीके से यहां पर अभी तक बातें सामने आई, कैसे यहां पर रखा गया, किसकी अनुमति से यहां पर रखा गया भ्रूण, कुछ बताया अभी तक? जी मैं आपको बताऊं, सागर जिले की बीना में मिशनरी स्कूल है निर्मल ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल, यहां पर शिकायत हुई थी जिसके बाद राज्य बाल संरक्षण आयोग की दो दिवसीय टीम बीना पहुंची थी। टीम में शामिल आयोग के सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा और ओमकार सिंह ने स्कूल का निरीक्षण किया, जहां पर स्कूल की बायोलॉजी लैब में एक भ्रूण नुमा एक कुछ जार में मिला है जिसमें केमिकल भरा हुआ था। भ्रूण यह कैसे आया और लैब में इसको कब लाया गया, इसका प्रबंधन कोई जवाब नहीं दे सका। वहां पर मौजूद प्राचार्य जो है स्कूल की सिस्टर ग्रेसी का कहना था कि कुछ समय पहले ही वह यहाँ पर पदस्थ हुई है, पूर्व में यह भ्रूण यहाँ पर लाया गया होगा लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। भ्रूण को लेकर पहले तो प्लास्टिक होने की बात समझ में आ रही थी, लेकिन जब आयोग सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने पूछा इसे प्रिजर्व करके क्यों रखा गया है, प्लास्टिक का है तो बाकी जीवों की तरह भी इसे बाहर रखा जाना चाहिए था, तो प्रबंधन इसका कोई जवाब नहीं दे सका। आयोग सदस्यों ने भ्रूण को जब्त करके मौके पर मौजूद पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी विष्णु इन चीजों का यहाँ पर देखना होगा कि आखिरकार किसकी परमिशन थी, किसने यहाँ पर इसको ऐसे रखा, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने बताया कि ये प्लास्टिक का है तो आप ये सवाल भी किया गया आपने इसको बाहर क्यों नहीं रखा, ऐसे तमाम सवाल। लेकिन यहाँ पर कैसे शिकायत की गई, कैसे भनक लगी इस बारे में यहाँ पर टीम को? जी मैं आपको बताऊं, दरअसल यहाँ पर स्कूल के जो एक बच्चे हैं उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं और फीस संबंधी शिकायतों को यहाँ दर्ज कराया था आयोग के समक्ष और उसी की जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, जिसमें जो बीआरसी जो है वह स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धर्म विशेष की प्रार्थना कराने के आरोप में एफआईआर। आयोग सदस्य जो हैं प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ निर्मल ज्योति स्कूल में पहुंचे थे, जहां आय व्यय मान्यताओं गतिविधियां फीस स्ट्रक्चर आदि जो हैं दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान सदस्यों ने पाया कि स्कूल में पदस्थ शिक्षकों और बस जो चालक हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं पाया गया है, स्कूल आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। प्रबंधन ने कहा था कि हमने 178 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फीस में छूट दी है जिसकी राशि करीब 16 लाख रुपए है, लेकिन जब आयोग ने फाइल देखी तो उसमें विद्यार्थियों की तरफ से एक आवेदन लगा हुआ था। अब यह बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है या सक्षम, इसका भी कोई प्रमाण वहां पर दस्तावेजों में नहीं पाया गया। जी ठीक है विष्णु, यहाँ पर देखिए फिलहाल इस पूरे मामले में गुमराह करने की कोशिश की गई थी टीम को, ऐसे में जैसा कहा गया कि ये असली भ्रूण नहीं है, वहां पर शिक्षिकाओं की तरफ से इसकी जांच भी यकीनन कराई गई होगी, तो अभी तक क्या कुछ यहाँ पर बात निकलकर जांच के दायरे में सामने आती दिख रही है, अभी क्या कुछ जांच में निकला है? जी ये दरअसल अभी ये ताजा मामला है, इसलिए पुलिस भी अभी इसे जो इसका विसरा होता है या फिर भ्रूण की जांच वो एफएसएल के द्वारा कराई जाएगी। फिलहाल अभी प्रशासन जांच प्रक्रिया में है, उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है कि किस तरह का ये भ्रूण है या फिर कोई कृत्रिम रूप से यह बनाया गया है। फिर भी प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है और पुलिस का सीधा कहना है कि अगर यह भ्रूण पाया गया तो आयोग के अनुसार और कानूनी जो आईपीसी के तहत है जो भी होगी कार्रवाई वो की जाएगी। जी विष्णु अगर देखिए यहाँ पर यह आर्टिफिशियल भी जैसा कि कहा जा रहा है वहां पर टीचर्स की तरफ से अगर ये होता भी है तो बात को घुमाने वाली बात यहाँ पर तो सामने आ रही, लेकिन इसके साथ क्या उन्होंने बताया कि अगर आर्टिफिशियल भी तो किस लिए यहाँ पर इसको रखा गया था, क्या काम था इसका जिसको लेकर इस तरीके से गोलमोल बातें की जा रही है? जी दरअसल हम बताएं ये आयोग की जो सदस्य हैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा, यह डॉक्टर पीएचडी की हुई है, उन्होंने जियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही किया है, यह मानव जो जीव विज्ञान है उससे तो कहीं ना कहीं अगर वह नहीं होती तो यह पकड़ में नहीं आता। जब वह प्रैक्टिकल लैब में जांच कर रही थी तो यह छिपा कर रखा गया था,
जब उन्होंने देखा वहां पर टेबल के नीचे, तो उन्हें यह अजीब सा कुछ दिखाई दिया जिसमें केमिकल भरा हुआ था। फिर उन्होंने देखा, और सबसे बड़ी बात, कल मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये प्लास्टिक का बताया तो वह एक बार को मान गई, क्योंकि इतनी गंभीर बात वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन वह उसकी जो आंख की चमड़ी है वो घुल रही थी, उसके जो अंग हैं वो भी कहीं ना कहीं क्षति हो रही थी उनकी, तो तब उन्हें संदेह हुआ। वहां मौजूद जब उन्होंने सिस्टर से पूछा तो उसने सीधे कहा कि मैं तो अभी आई हूँ, 2 महीना 3 महीना हुए हैं, इसके पूर्व रखा गया होगा। ठीक है विष्णु, आप नजर बना कर रखिएगा इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।